दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे स्टॉक मार्केट पे इस पर्टिकुलर नवंबर में कौन से बड़े स्टेप्स, बड़े एक्शंस होने वाले हैं, जिसकी शुरुआत मंडे से, जिसकी झलकियां आपको देखने को मिलने लगेंगी। और देखिएगा, यहाँ पे जो बात कही जा रही है वो ये ना सोचिएगा किसी ने, ट्रेडर ने कही, किसी इकोनॉमिस्ट ने कही, या फिर किसी भी पर्टिकुलर ऑफिशियल पर्सन ने कही। यहाँ पे ये बात वो कह रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म पे, जो पर्टिकुलर एक्सचेंज में आप ट्रेड करते हो, उसके CMD यानी कि MD आशीष चौहान जी अगर स्टॉक मार्केट के लिए कोई बात कह रहे हैं, तो आपको उसमें दो बार देखिएगा, सोच के बोलना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जितने वॉल्यूम होते हैं, जितना डेटा होता है, जितने ट्रेड हो रहे हैं, रिटेल ट्रेडर कैसे ट्रेड कर रहा है, कैसे कहाँ पे ट्रेड ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन, सारा डेटा इनके पास रहता है। तो इसलिए इनकी बातों का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले रेगुलेटरी स्टेप्स पे उन्होंने बोला है। सेबी ने कुछ रेगुलेटरी स्टेप्स ऐलान किए थे जो नवंबर में अप्लाई होने वाले हैं, एग्जीक्यूट होने वाले हैं। और अगर आप देखेंगे रेगुलेटरी स्टेप्स में इम्पैक्ट वॉल्यूम इन द मार्केट। अब आपको पता है अगर स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम इम्पैक्ट होने वाले हैं, या फिर आप ये डायरेक्टली कह सकते हो वॉल्यूम कम होने वाले हैं, तो स्टॉक मार्केट नवंबर में गिरने वाला भी है। क्योंकि ये चीज़ बहुत ही कोरिलेटेड है कि किसी भी स्टॉक मार्केट में अगर वॉल्यूम कम होने वाले हैं या ज़्यादा होने वाले हैं, तो स्टॉक मार्केट का उससे सीधा कोरिलेशन है। वॉल्यूम कम होने पर मार्केट गिरता है, वॉल्यूम बढ़ने पर मार्केट उठता है। और रेगुलेटरी स्टेप्स को लेकर देखिएगा, ये बात कही गई है और NSE के MD आशीष जी ने कही है। ये बात आपके सामने आपको देखने को मिल रहा होगा। उन्होंने ये तक कहा है कि STT बढ़ाने पर, जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स बढ़ाया गया है, जो भी टैक्स बढ़ाया गया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि अभी तक मार्केट के पार्टिसिपेशन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी बढ़ गया है, बट सबसे ज़्यादा सरप्राइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स बढ़ाने पर अक्टूबर में वॉल्यूम ज़्यादा ट्रेड हुआ है। मतलब अक्टूबर में अब तक जो वॉल्यूम ट्रेड हो रहा था वो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स बढ़ाने के बाद और ज़्यादा हो गया है। दो फर्दर रेगुलेटरी स्टेप्स माइट इन्फ्लुएंस ट्रेडिंग वॉल्यूम। अगर आप देखेंगे ट्रेडिंग वॉल्यूम को इम्पैक्ट करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से, यहाँ पे जो रेगुलेटरी बिहेवियर है, जो सेबी के रूल्स हैं, वो डेफिनेटली देखेगा सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स से ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे वॉल्यूम को। और उससे वॉल्यूम क्या होंगे, कम होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। With the hike of STT and the restriction in the number of weekly expiry each and exchange, it is an evolving environment for both participant as well as intermediaries. Impact तो पड़ेगा ही। मुहूर्त ट्रेडिंग पे इन्होंने देखेगा इंटरव्यू में बात कही है। चूंकि आपको पता है कि ये सारे रूल जो स्टॉक मार्केट के हैं वो नवंबर में ही अप्लाई होने वाले हैं। और स्टॉक मार्केट अब नेक्स्ट मंडे से, जो नेक्स्ट मंडे आ रहा है, उससे एक डिफरेंट जोन में जाने वाला है। तो अगर आप देखेंगे मिनिमल इमीडिएट इम्पैक्ट फ्रॉम STT हाइक, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स से अभी तक तो कोई एज सच बहुत बड़ा इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा है, लेकिन रेगुलेटरी स्टेप से काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ट्रेडिंग वॉल्यूम पे और इन्वेस्टर के बिहेवियर पे इन कमिंग मंथ्स। प्रोटेक्टिंग स्मॉल इन्वेस्टर को लेकर देखेगा, उनके लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए, घरेलू बचतों को बचाने के लिए, ताकि वो बैंक्स में जाएं, वो एक स्टेबल देखेगा इनकम की तरफ जाएं, ना कि वो एक तरीके से आपने 1 लाख 1.5 लाख पड़ा था, आपने खेल डाला और उसके बाद आपने सोचा कि चलो ठीक है अब बैक टू वर्क चलते हैं, अब फिर से इकट्ठा करेंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा इकॉनमी का भी लॉस हो रहा है। फिर आगे अगर देखेंगे, रिटेल को, इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म की तरफ पुश करने की कोशिश की जा रही है, और अगर ऐसा होगा तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम इम्पैक्ट हो जाएंगे। और वॉल्यूम इम्पैक्ट होंगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग इम्पैक्ट होगी, और इंट्राडे ट्रेडिंग इम्पैक्ट होगी तो ये फ्लक्चुएशन जो है स्टॉक मार्केट में वो बढ़ जाएंगे। तो ये जितने भी आपको देखिएगा ये रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिल रहे हैं, ये नेक्स्ट वीक से इम्पैक्ट करेंगे स्टॉक मार्केट को। इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। राम राम।